अगर इसने वीडियो कॉल किया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं रास्ते में नहीं तेरे घर पर हूँ। हेलो रोशन सोनियो मैं रास्ते में यानी हाईवे पे गड्डी चला रहा हूँ, तो गड्डी चलाते समय वीडियो कॉल कैसे कर सकता हूँ? तो वैसे भी मैं तेरे पास आ ही रहा हूँ, जिन्ना मर्जी चाहे देख लेना। हाँ ये पन ठीक है, चल ओके, तू संभाली ना आओजे ओके। क्या कर रहा है सोनी, अभी फंस जाता तू। पप्पू थैंक यू वंस अगेन, मुझे बचा लिया, मेरी शादी बचा ली तूने। काश हूँ, कोई टेंशन नहीं, वो 3 घंटे बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी रोशन डार्लिंग के साथ जाके हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगा। मेरा रोशन मुझसे कितना प्यार करता है, ऑल द वे मुझे सरप्राइज देने उडवाड़ा चला गया, मैं कितनी लकी हूँ। आई लव यू रोशन। मेरी पोली पार्सन मेरी फोटो को जफिया पपिया दे रही होगी ये सोच के कि मैं उसे एनिवर्सरी की सरप्राइज देने के लिए उडवाड़ा गया हूँ। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करके आराम से बैठा है, सच में तुम हस्बैंड्स को अपने वाइफ की इमोशन की कदर ही नहीं। तो नहीं पप्पू, वो कदर है, वो बहुत कदर है, वो मैं नहीं करना चाहता था पार्टी शार्टी, पर ये बचपन के यार आ गए और उन्होंने फोर्स किया और तूने कर ली पार्टी शार्टी। ओए पप्पू तू तो जानता है पर रोशन सिंह सोडी अपने यारों को मना नहीं कर सकता। अरे अगर आज रोशन भाभी ने तुझे पकड़ लिया होता ना तो जिंदगी भर उन दोस्तों के साथ उनके घर पे रहना पड़ता। वो ये तो करेक्ट है, अगर रोशन ने मुझे इस हालत में पकड़ लिया होता ना तो हॉकी स्टिक से मार मार के मैनू घर से बाहर कर देती। तो वो तेनू पता है पप्पू, मैं अपनी रोशन डार्लिंग को कभी दुखी नहीं देख सकता, और मैंने एनिवर्सरी वाले दिन ही ऐसा काम कर दिया कि जिससे उसे दुख हो। लेकिन अभी सब ठीक है, ना मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और ना रोशन को कभी सच का पता चलेगा, और कल सुबह मैं अपने घर जाके अपनी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूंगा। कल सुबह जब रोशन और गोगी आएंगे ना तो हम जम के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। गोगी? हाँ बोल निकरा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी। थैंक यू मेरे बच्चू। पापा तो आपको देखकर खुशी से पागड़ा कर रहे होंगे। किधर निकरा, तेरे पापा तो उडवाड़ा में है। उडवाड़ा? हाँ वो मुझे उडवाड़ा लेने गए हैं। लेकिन आप तो मुंबई में हो, पापा आपको लेने उडवाड़ा क्यों गए हैं? अरे निकरा उनको थोड़ी पता था कि मैं मुंबई आ रही हूँ उनको सरप्राइज देने के लिए, तो वो मुझे उडवाड़ा सरप्राइज देने के लिए चले गए। हो ही नहीं सकता मम्मी, पापा उडवाड़ा जा ही नहीं सकते। ऊपर तेरा पप्पा जी वो गहलोत छे, मेरी फोन पे बात हो गई है उनसे, वो उडवाड़ा में ही है। लेकिन अचानक कैसे जा सकता है, शाम को जब मैं निकला था तब तक तो उनका ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बल्कि आपको वीडियो कॉल पे सरप्राइज देने के लिए डेकोरेशन का सामान भी लेके आए थे। हाँ लेकिन उनको मेरी याद आ गई होगी, उनको ऐसा मन किया होगा कि एनिवर्सरी के दिन वो मुझसे मिल के केक काटे, इसलिए तो उडवाड़ा चले गए वो। तो मम्मी पापा मुझे भी साथ ले जाते ना। कैसे लेके जाते दिखरा, सनी को तेरी जरूरत थी ना। कोई जरूरत नहीं इसे मेरी। हाँ? जब से मैं आया हूँ तब से अकेले में ही मस्त है। अच्छा और बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रहा है, उसे यहाँ क्यों आया, क्यों आया, पूछ पूछ कर दिमाग की लस्सी बना दी है। क्या? हाँ पता नहीं परविंदर अंकल ने पापा को बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। हाँ मम्मी मैं उसके लिए आया हूँ, लेकिन वो गेम खेलने में ही मस्त है। ये उल्टा मुझे यहाँ अकेलापन फील हो रहा है। सब गोगी दिख रहा, परविंदर भाई को फोन दे दूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। परविंदर अंकल भी घर विच नहीं है, अचानक कोई काम से बाहर गए, आंटी भी सो रही है, बस मैं ही अकेला फंसा हूँ। अच्छा अच्छा रिलैक्स दिख रहा, तू भी रोशन की तरह गुस्सा मत हो, एक ही रात की तो बात है, कल सुबह जल्दी निकल के घर वापस आ जाना, ओके? ठीक है। गुड, हमें शांति से सो जा और कल सुबह जल्दी आ जाना, ओके? बाय। बाय। ओए गोगी, अच्छा आया।
क्यों हो गया? सवाल का जवाब मिला के नहीं? कौन सा सवाल? यही, तुसी इत्थे क्यों आए हो? नहीं मिला खोते है। ये परविंदर भाई भी अजीब है। अगर सनी को गोगी की जरूरत ही नहीं थी तो गोगी को सनी के पास भेजा ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि परविंदर भाई ने गोगी को सनी के पास भेजकर रोशन के साथ यहाँ पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया हो? रोशन? पर नहीं 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 रोशन, तू भी सब खेलित छे। अरे तेरा रोशन तुझे कितना प्यार करता है, तेरे लिए स्पेशली सरप्राइज देने उड़वाना गया है, वो थोड़ी ना पार्टी शार्टी करेगा, नहीं करेगा। आइडिया, मैं भी रोशन को एक सोची सरप्राइज देती हूँ, उसके लिए हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाती हूँ। ये एनिवर्सरी तो एकदम यादगार रहेगी। सच में ये एनिवर्सरी तो यादगार रहेगी। हाँ भाई, यादगार तो रहेगी। आग के कुएं से बच के निकला तू? तो निकला नहीं हूँ, निकाला है मेरे यारों ने। तो थैंक यू पप्पू, थैंक यू, थैंक यू मेरी सारी टेंशन दूर करने के लिए। ओ सोड़ी, कोई टेंशन खत्म नहीं हुई है। जब तक सुबह नहीं हो जाती तू अपने घर रोशन भाभी के पास नहीं पहुंच जाता, टेंशन बनी रहेगी। पर थंडरक पप्पू, और अपने नेगेटिव विचारों को ब्रेक के लगा। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। अरे कहां से सो जाऊं, टेंशन के मारे नींद ही नहीं आएगी। ओ पप्पू, ओ मेरे पास एक आइडिया। अरे नहीं चाहिए भाई तेरा कोई आइडिया। पप्पू सुनता क्या? ओए मेरा मतलब है तू थोड़ी पार्टी शार्टी कर ले। अरे पार्टी शार्टी करके तेरा दिल नहीं भरा जो मुझे भी आइडिया दे रहा है? ओ चल यार, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था। मेरे भले के लिए? हाँ, तू थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेगा तो तेरी टेंशन उड़ जाएगी और नींद आ जाएगी। अरे मेरी नींद तेरी पार्टी शार्टी के चक्कर में ही उड़ी है। ये जो कुछ हुआ है ना वो तेरी पार्टी शार्टी की वजह से ही हुआ है। ये तो करेक्ट है, अगर मैंने पार्टी शार्टी ना की होती ना तो आज मैं अपनी रोशन के साथ होता। अगर रोशन यहाँ होता तो कितना मजा आता, हम दोनों 12 बजे केक काटते। कोई बात नहीं, जब रोशन आएगा ना तो मैं उसे एक कार्ड देके सरप्राइज करूंगी, बहुत खुश हो जाएगा। मेरी रोशन डार्लिंग, मैनु कितना मिस कर रही होगी। वो मिस से याद आया, वो अच्छा हुआ यारो तुम लोग टाइम पे पहुंच गए, वरना बिट्टू की फ्लाइट मिस हो जाती और हमारी पार्टी शार्टी बिना ब्रेक लगाए चलती रहती और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाता। ए, छोड़े, फ्लाइट मिस हो जाती छोड़, अगर बिट्टू की फ्लाइट मिस हो गई तो, और बोलो क्या सोसाइटी में वापस आ गए तो? ओ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ओए पप्पू, ओ ऐसी बात करके तूने तो मेरी भी नींद उड़ा दी। ठीक है फोन लगा। अरे मैं कहां से लगाऊं भाई, तेरे दोस्त है, तू फोन लगा। अरे हाँ, ये बिट्टू 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 छोटी भरा का फोन आ रहा है। ओ मत उठा, कट कर दे। कट कर दिया? एक बार और लगा। ओ यारो, ओ मेरी फ्लाइट 6 घंटे डिले होगी यार। ओ तो मजा आ गया, अब तो जम के पार्टी शार्टी करेंगे। ओ पाजी, मेरी फ्लाइट 6 घंटे डिले होगी और आपको पार्टी शार्टी करनी है। ओ यारा, लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मतलब तेरी फ्लाइट 6 घंटा डिले हो गई, यानी अभी हमारे पास सोडी पाजी के साथ पार्टी शार्टी करने का वो टाइम है। तो अब फिर से उसके घर पे जाएंगे? ओ हाँ यारा, ओ वैसे भी तूने एयरपोर्ट पर जाके बोर ही होना। ओ हाँ, हो तो जाऊंगा। तो तब तक सोडी पाजी के घर चलते हैं, उधर पार्टी शार्टी करते हैं, और अभी तक सोडी पाजी की भाभी के साथ वीडियो कॉल भी होगी। हाँ यार, ओ सोडी भरा का फोन आ रहा है, मैं ना उसको बता देता हूँ कि हम फिर से उसके घर पे आ गए। नहीं नहीं यार, सोडी भरा का फोन मत उठा, उनके पास दूसरी बार जाएंगे तो सरप्राइज देंगे, मजा आएगा। ओ हाँ, ओ मैं सोडी भरा का फोन ना कट कर देता हूँ। ओ चलो गोकुलधाम सोसाइटी सोडी पाजी के घर पार्टी शार्टी का राउंड 2 करने। ओ चल भाई यू टर्न ले। कट दिया? अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा बिट्टू? मैं समझ गया। मैं समझ गया गल की है। अच्छा,
तो जरा मुझे भी बताएंगे कि गल की है, क्या समझे आप? सिंपल है पप्पू, तो मेरा यार बिट्टू इमिग्रेशन में होगा, बिजी होगा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, तू इतना यकीन से कैसे कह सकता? क्योंकि पप्पू, अगर बिट्टू की फ्लाइट मिस हो गई होती और वो वापस आ रहा होता तो सबसे पहले मैनू कॉल करता। उसका कॉल नहीं आया, इसका मतलब कि वो इमिग्रेशन में है। ये हो तो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे राज का पर्दाफाश ना हो जाए। ओए कुछ नहीं होना पप्पू, ओए अपने गोकुल धाम के यार इस राज को सीने में दबाए गहरी नींद में सो रहे होंगे, और मेरा कोई यार वापस नहीं आने वाला। वी आर बैक, बैक विद बैंग। और आज हम पहले से भी तगड़ी पार्टी शार्टी करेंगे। और रोशन बाबी भी घर पे नहीं है, सो नो फियर। एक मिनट, क्यों हो गया? वो छोटी बाजी सो रहे हुए तो क्या हुआ, उन्हें जगा देंगे और जम के पार्टी शार्टी करेंगे। छोटी हमें देख के खुश हो जाएगी, देख रोशन बाबी घर पे है नहीं, ऐसा मौका सोटी को दोबारा मिलेगा नहीं। केक और बोतल देके उसको सरप्राइज देके खुश कर देंगे। बिल्कुल। चलो जी चलो। ग्रीटिंग कार्ड इज रेडी। कितना सुंदर लगे? अंदर क्या लिखूं? थोड़ा टाइम और, बस थोड़ा टाइम और, फिर मेरी रोशन डार्लिंग को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मजा आ गया पाजी, आज तो जश्न की रात है। बिल्कुल सही कहा, तो सोडी पाजी हमें देख के नाच उठेंगे। कल सुबह रोशन के आटे ही सेलिब्रेशन शुरू। वो जैसा उनकी शादी पे किया था ना, वैसे ही भांगड़ा करना। बजाओ बजाओ बैल। इस वक्त कौन आया होगा? यार ये छोटी भाजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यार वो सोया होगा, तू बजाता रहे बेल जब तक वो दरवाजा नहीं खोलता। रोशन बापी घर पे है नहीं, आज मस्त पार्टी शार्टी करेंगे। और हाँ, दरवाजा खुलते ही भंगड़ा स्टार्ट कर देना। तो रोशन के बचपन के दोस्त है, लेकिन वो लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पक्का ये लोग रोशन को हैप्पी एनिवर्सरी विश करने आए, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि मैं घर पे हूँ। दरवाजा खोल के उनको सरप्राइज देती हूँ। रोशन के चक्कर मुझे देखकर इनका रिएक्शन देखने में बड़ा मजा आएगा। तो यार ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा तो खुला ही है। बल्ले 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 सोडी प्रा, हैप्पी एनिवर्सरी। और तुम्हारे यार आ गए। ओ आ जाओ सोडी प्रा, रोशन पाबी भी नहीं है, राउंड टू शुरू करते हैं। रोशन भाभी आप तो नहीं आने वाली थी, आप तो कल आने वाले थे, अब आज कैसे आ गए? हाँ। अरे मैं रोशन को एनिवर्सरी की सरप्राइज देने आई हूँ, लेकिन वो तो उडवाड़ा गया है ना। उडवाड़ा? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था। ओ भागो, राउंड टू कैंसल। ओ भागो यार। रुको रुको रुको, अरे रुको, अरे ये लोग तो भाग गए। क्या बोल रहे थे ये लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा राउंड टू? अरे मारी भोली पर्सन, जरा समझदार बन।
हाँ मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूँ। तू समझ, राउंड टू बोल के ये लोग इसीलिए भाग गए क्योंकि राउंड वन यहाँ पे रोशन के साथ ऑलरेडी कर चुके थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, वरना तू ही सोच, रोशन और परविंदर भाई गोगी को परविंदर भाई के घर पे क्यों भेजते? वो लोग यहाँ से रास्ता साफ करना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से पार्टी शार्टी कर सके। नहीं नहीं नहीं, मेरा रोशन पार्टी शार्टी नहीं कर सकता। उसने मुझे फोन पे बोला था कि वो पार्टी शार्टी नहीं करेगा। बहु खड़ाई जी, बहु भोली बहु भोली। नहीं नहीं, रोशन ने पार्टी शार्टी नहीं की है, वो उडवाड़ा में। रोशन, गोगी ने तेरे को बोला था ना कि रोशन का उडवाड़ा जाने का तो कोई प्लान ही नहीं था। वो तो तेरे साथ 12 बजे वीडियो कॉल करने वाला था, इसीलिए तो उसने ये सब तेरे लिए सजाया है। अपन ये सब सजाया है तो मुझसे डर के वो भागा क्यों? क्योंकि उसने तुझसे झूठ बोलकर पार्टी शार्टी की थी, और अगर तू उसका झूठ पकड़ लेती तो तू उसकी पिटाई करती कि नहीं? हॉकी स्टिक थी। जब मेरे आने के बाद मुझे देख के वो अचानक इस घर से डर के भाग गया। हाँ, अबे समझी, तभी तो वो हड़बड़ी में ये सब कुछ बंद करना भूल गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मेरा रोशन ऐसा नहीं कर सकता। वो उड़वाड़ा ही गया है। उड़वाड़ा गया है ना, तो ठीक है, तो उसकी गाड़ी की चाबी है कि नहीं? चेक कर, देखती हूँ। गाड़ी की चाबी तो यहीं पे है, तो वो उड़वाड़ा कैसे गया होगा? हो सकता है वो दूसरी चाबी लेकर गया हो। ओहो खुदाई जी, कितनी भोली। तो दूसरी चाबी जहाँ होती है वहां जाके चेक कर लेना कि चाबी है कि नहीं। रोशन की दोनों चाबियां यहाँ है तो उड़वाड़ा कैसे गया होगा? मैं गया था ना सोड़ी को छोड़ने के लिए। उड़वाड़ा? उड़वाड़ा क्यों जाऊंगा मैं माधवी, मैं गड्डी तक छोड़ने गया था, तब उसने मुझे बताया। तो भीड़े भाई ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि रोशन गाड़ी लेके उड़वाड़ा गया है और वो उसको गाड़ी तक छोड़ने भी गए थे? तो ये तू भीड़े भाई से जाके क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला? हाँ बरोबर छे, बरोबर छे। मैं भीड़े भाई के घर जाके उनसे पूछती, सच का पता वही चलेगा। दोस्तों, जब से रोशन भाभी को सोडी के जीप की चाबी मिली है, उनके मन की दुविधा और बढ़ गई। वो ये सोच रही हैं कि बिना चाबी के सोडी जीप चलाकर उड़वाड़ा गया कैसे। उनके मन में शक की चिंगारी जल चुकी है। अब यह शक की चिंगारी बुझेगी या फिर गुस्से की आग में तब्दील होगी, ये भेड़े पे निर्भर करता है। भैया, हम सबके जीवन की नैया भेड़े पे टिकी है, जिसका डूबना या पार होना भेड़े के हाथों में। अब देखना यह है कि भेड़े रोशन भाभी के सवालों के कटघरे में खड़े होकर सोडी पर लगने वाले आरोपों को एक्सेप्ट करता है या फिर सफाई के साथ उन्हें खारिज करता है। क्या लगता है आपको, क्या भिड़े सोडी पर लगने वाले इल्जामों को खारिज कर पाएगा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी होगा वो मजेदार होगा, पटाखों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।